हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग द आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर एसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की कमीशन की तरफ से कैटेगरी नंबर 22 की जो आर्ट एंड क्राफ्ट के आपकी रिक्रूटमेंट है उससे रिलेटेड है। आपको पता है कि मनप्रीत कौर ने यहाँ पर केस डाला था, कोर्ट केस डाला था कि उनका प्रोविजनली यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाए, तो कोर्ट ने मंजूरी दे दी है और उनका प्रोविजनली यहाँ पर इंटरव्यू लिया गया है। ये तो वो नोटिस है, इससे अलग मैं आपको नोटिस दिखा देती हूँ। और इनका जो इंटरव्यू लिया जाएगा वो 27 मार्च को लिया जाएगा, मतलब आज के दिन। और लेकिन इनका रिजल्ट जो है वो रिवील नहीं किया जाएगा, ठीक है। सेम क्रिटेरिया रहेगा जैसे आप लोगों का इंटरव्यू लिया था, सेम रहेगा इनका भी, लेकिन इनका रिजल्ट जो है वो अभी रिवील नहीं किया जाएगा उसको, जब तक कि कोर्ट की तरफ से परमिशन नहीं आ जाती, ठीक है। और जो आपका वो केस है जो देखिए, यहाँ पर एक और है मनीषा एंड अनदर, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ दिखाती हूँ इसमें क्या बोला है। लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज सबमिटेड दैट द पिटिशनर वर कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट एंड आफ्टर क्लियरिंग द रिटन एग्जामिनेशन, यहाँ पे डाला भी हुआ था कितने हैं, दे वर कॉल्ड फॉर द स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड आफ्टर क्लियरिंग द अफोरसेड स्टेज दे वर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एंड नाउ दे हैव बीन ओरली इन्फॉर्म दैट दे डू नॉट फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। देखिए, इनका इंटरव्यू भी हुआ और इनको स्क्रूटनी के लिए भी बुलाया गया, लेकिन इनको ओरली ये बोला गया कि भाई आप जो है वो एलिजिबल नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करते हो। कैसे? क्योंकि जब एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसमें ना सारे इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। आई थिंक इनके पास संस्कृत नहीं रही होगी 10th स्टैंडर्ड पे, या हिंदी लैंग्वेज नहीं रहा होगा। इन दोनों में से एक चीज़ आपकी इलेक्टिव होनी चाहिए और एक चीज़ आपकी कंपलसरी होने चाहिए एज ए सब्जेक्ट, या और भी अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इनके फुलफिल नहीं रहे होंगे। तो मिस्टर दीपक मनचांदा एडिशनल आईजी हरियाणा एक्सेप्ट नोटिस ऑन द बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट्स एंड इंस्ट्रक्शन ही सबमिटेड दैट द पिटिशनर, इन्होंने कहा कि एक प्रोविजनल इंटरव्यू ले लो इन परस्यूएंस ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कमीशन इन ऑर्डर टू अप्रूव द एलिजिबिलिटी ऑफ वेरियस कैंडिडेट्स। सो फार द पिटिशनर आर कंसर्न एंड दे आर नो फाउंड टू बी इन एलिजिबल। इनका इंटरव्यू भी लिया गया लेकिन ये इन एलिजिबल पाए गए, मतलब ये एलिजिबल थे ही नहीं उस इंटरव्यू के बाद। लेट ए डिटेल रिप्लाई टू बी फिल्ड इन द प्रेजेंट केस बाय द रेस्पोंडेंट ऑन द बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, ये 19/7/2021। अच्छा, ये भाई लिस्ट द मैटर, ये मैटर की डेट लिखी है, ये कुछ नहीं है। वैसे ये मनप्रीत के सिग्नेचर हुए हैं 26/2021। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों ने केस किया था। इनका केस क्यों नहीं आपके सामने आया? क्योंकि इन लोगों को एलिजिबल ही नहीं ठहराया गया है, इन लोगों के पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं थे, तो ये लोग यहाँ पर मैटर नहीं करते हैं। मैं आपको एक और नोटिस दिखाती हूँ। अब ये देखिए, नीरज कुमार और हैं, पिटिशनर आर 3 in number, नीरज कुमार एंड अदर्स, मतलब तीन और पिटिशनर हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल से भी और रिजर्व से भी हैं। इनका रिट क्या था कि भाई ये भी आर्ट एंड क्राफ्ट पोस्ट के लिए इनका प्रोविजनल, इन्होंने बोला कि हमारा प्रोविजनल तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाए। और पोस्ट द मैटर 6/2021 के साथ ही है इनका, पूनम देवी ने जो किया था। Prayer for interim direction is declined at this stage as this court in connected petition has already directed the respondent commission not to finalize the selection pertaining to the same very post. इन्होंने ये कहा है कि भाई आप ना सिर्फ इनका इंटरव्यू ले लीजिए प्रोविजनली, लेकिन उससे पहले आप फाइनलाइज इनको सिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें नहीं पता है कि भाई इनका होगा भी। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपकी 102 पे जनरल की कट ऑफ यहाँ पे गई है, ठीक है, और ये लोग वो हैं जो 100 पे फाइट कर रहे हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं कि हमारा मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है
दे शुड हैव टू बी, उनको हमें बुलाना चाहिए, दे शुड हैव टू बी एस फॉर द कॉलिंग ऑफ द इंटरव्यू सेशन या स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर इनके 25 में से 22 या 23 हाईएस्ट मार्क्स भी अगर वो लगाते हैं तो भी ये 122 123 के बीच ही फाइट करेंगे, जबकि यहाँ पर वो लोग जिनके 115 110 120 से अबव भी मार्क्स हैं और उनके इंटरव्यू में अगर 15 मार्क्स भी लगते हैं तो आप देख लीजिए ना ये कहाँ पे फाइट करेंगे। तो गाइज ना तो कट ऑफ बढ़ने का चांस है यहाँ से और ना ही इन लोगों के सिलेक्शन का, ये आप पे फाइट नहीं करने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, कितने भी लोग आ जाएं, कितने का भी इंटरव्यू हो, ये वो हैं जो मिनिमम क्रिटेरिया रख रहे हैं और आप वो लोग हैं जो सिलेक्शन लेके बैठे हैं, ठीक है। सो ये अलग अलग सभी ने यहाँ पे किया हुआ है केस, हमें हाईलाइट वो कराया गया है जिनका आगे अप्रूवल आया है कि भाई इनका प्रोविजनली लिया जाए। बेसिकली कुछ लोग ऐसे भी निकले हैं जो कि एलिजिबल हैं ही नहीं, ठीक है। तो अभी देखते हैं, शायद आपका रिजल्ट रिवील कर दिया जाए, डिक्लेयर कर दिया जाए 6 अप्रैल से पहले, बट अभी कुछ कह भी नहीं सकते हैं कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। सो मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं पता है कि मैं बोल दूँ हाँ होगा ही होगा। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा। और थैंक यू सो मच, थैंक यू टू विजिटिंग चैनल।